कि भाई साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियल तौर के ऊपर ये बात कह दी आईसीसी को कि हम भी नहीं जा रहे। पीसीबी को कुछ नहीं कहा, आईसीसी को डायरेक्टली कहा कि भाई साहब अपना अपना देख लो, हम भी नहीं जा रहे, पाकिस्तान हमने भी नहीं जाना। तब तक तो हम सिर्फ हिंदुस्तान को मनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर बाद में चला कि भाई हिंदुस्तान का छोटा भाई अफगानिस्तान जो है वो भी नहीं आ रहा पाकिस्तान में, उन्होंने भी मना कर दिया। और अब अपडेट ये निकल करके साउथ अफ्रीका ने भी मना किया, और एक और टीम जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है वो है बांग्लादेश। और इंडिया के बाद अफगानिस्तान, इवन अफगानिस्तान का तो डन हो चुका है कि वो नहीं आ रहा। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया ने पीसीबी से बात करना गुबारा नहीं समझा, ऑफिशियल्स ने डायरेक्ट आईसीसी के साथ बात की है, और उधर बात करते हुए उन्होंने बोल दिया है कि हमारी टीमें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगी। तो दो कंट्रीज नहीं आएंगे तो फिर कल दो और बंदे कहेंगे भाई हम भी नहीं आ रहे, वो भी यही चीज कहेंगे कि भाई अगर वो अफगानिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, बांग्लादेश भी कह सकता है, कल फिर न्यूजीलैंड भी कहेगा, ऑस्ट्रेलिया कहेगा, इंग्लैंड कहेगा, ऐसे तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना ये थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि भाई पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है कल, बहुत सारे इनके जो है आर्मी के लोग मरे हैं उसमें। यहां पर आईसीसी जो है वो यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने का सोच रहा, कि अभी आईसीसी जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो रूट है ना ये चेंज करने वाली है, ट्रैक जो है उसका जो है वो यूएई की तरफ होने वाला। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर ये बहुत बड़ी न्यूज है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से चेंज होकर यूएई की तरफ जाने वाली है। बहुत सारे देश जो है अंडरग्राउंड पीछे, पर्दे के पीछे, सिर्फ अफगानिस्तान हिंदुस्तान नहीं, दो तीन देश और सामने आए हैं, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूं, जिसमें बांग्लादेश का भी नाम है। नहीं करता तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाह रहा कि वहां पर यह चैंपियन ट्रॉफी हो, और ऑस्ट्रेलिया का भी जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है अब हिस्सा आ चुका है। तो उम्मीद यही है कि भैया हमें सेफ्टी चाहिए टीम्स की, लोगों की, ऑडियंस की, फैंस की, बाकी घंटा फर्क नहीं पड़ता कहां पे हो, पाकिस्तान में हो, कहां पे भी हो, हम बस लोगों की सेफ्टी चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि क्रिकेट स्पोर्ट गंदा हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दूर जाती जा रही है, एक दल एक एक के बाद एक टीम जो पाकिस्तान आने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इनकार करती जा रही है। इससे पहले इंडियन टीम ने बोला कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे, फिर अफगानिस्तान टीम ने बोला हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। अफगानिस्तान और इंडिया के बाद अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। अब पीसीबी ऑफिशियल्स ने बात करना शुरू कर दिया है, जब पता चला गया जी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसका कसूरवार भी पीसीबी ने और पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को बनाना शुरू कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सियासत कर रही है, बीसीसीआई जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, और एक के बाद एक जो है वो पाकिस्तान टीमों को जो है वो अपने अपनी बातों में लगाकर जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान से दूर लेके जा रहे हो, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छिनवा रहे हो। पहली तो बात है आप चैंपियंस ट्रॉफी के प्रपोजल अनाउंस कर रहे हो, आपने इंडिया से पूछा नहीं है। और भाई कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया के बगैर चलता है? आईसीसी करवाता है टूर्नामेंट, पीछे से पैसे बीसीसीआई देता है, वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट हुआ ये बेशक समझ लो। वो अमीर बोर्ड है, वो रिच बोर्ड है, उनके पास पैसा है, और आप उनके अगेंस्ट चल रहे हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। मतलब इंडिया क्या करे, इंडिया ने जो करना था वो कर दिया, उन्होंने बोला हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे अफगानिस्तान भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भैया जब निकलती है ना तो समझ लो बेड़ा गर्क हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है कि बांग्लादेश नहीं आएगा पाकिस्तान खेलने। और बांग्लादेश ऑफिशियल्स ने ये बात बताई थी कि हम टेस्ट सीरीज खेलने, बायलैटरल सीरीज खेलने पाकिस्तान जरूर आएंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमें सिक्योरिटी के मसले हैं। अब पूरे की पूरे चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी यूएई, दुनिया की दो टॉप की टीम है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जब वो ही पाकिस्तान आकर नहीं खेल रही तो फिर भाईजान आपने क्या चैंपियंस ट्रॉफी घंटा चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान में? अब ना चैंपियंस ट्रॉफी पूरे की पूरी यूएई चली जाएगी, बैठ के ना उधर फिर तूतू बाजा बजाते रहना क्या साथ इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इन टीमों में बोल दिया, इन टीमों ने भी बोल दिया क्या सर हम पाकिस्तान खेलने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आएंगे, इट्स अ क्लियर कट। और देख लो भाई बड़ा गलत हो गया, अब बैठ के ना बस अपने मुंह पे हाथ रख लो और बैठ जाओ। ये चैंपियंस ट्रॉफी काफी दूर है लेकिन मेजबानी पाकिस्तान के पास है, जाहिर सी बात है हम काफी संजीदा हैं, हमसे मुराद बोर्ड है या पाकिस्तान, जाहिर सी बात है मेजबान है, तो इसमें रोजाना कोई खबर आ जाती है भारतीय मीडिया की तरफ से कि भारत शिरकत नहीं करेगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि कुछ संजीदगी आए, कोई फैसला कुन जो मोड़ है वो सामने आ जाए? देखिए सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी कमेटी, वो आईसीसी वाले भी होके गए थे
सब चीजों का जायजा वो लेके गए थे, कोई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ। आईसीसी ने जब स्केड्यूल कंफर्म कर लिया ना, दैट मींस दे हैव द कंफर्मेशन कि पाकिस्तान में ये सारे मैचेस पॉसिबल है। अगर वो अपनी फ्री विल के तौर पे अपने जो है ना अना के मसले को बना के आईसीसी ने गो अहेड दे दिया कि आप जाएंगे ये सारी टीमें, भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, टॉप 8 टीम्स खेलने आ रही है, हम मेजबान है, हम उसमें शामिल है, ठीक है, किसी और टीम को मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को मसला है। बोर्ड ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया, ये इंडियन मीडिया का तो काम है ना ये चीजें करना, पाकिस्तान को नीचा दिखाना तो उनका हमेशा से मुश्किल आ रहा है। जहां पे जिस पॉइंट पे वो जो चीज ऐसे कोई जो है ना गंदे पॉइंट मारना, बिलो द बेल्ट खेलना, ये तो उनका मुश्किल रहा है करना। आप तो इंडियन मीडिया को तो क्वाइट फ्रेंकली जो मेरा फॉर्मूला है, मैं उनको जिस हद तक इग्नोर कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और ऐसी उनकी अफवाहों को, ऐसी फजूल बातों को इनको अपने दिमाग पे हावी करना या उनको जो है ना ज्यादा बढ़ा चढ़ा। वसीम अकरम भी बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार आप अपने सियासी मामलों को अलग रखें, क्रिकेट को मामला जिसको हमने बहुत बड़े स्केल पर देखना है वो है चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग। रियलिटी ये है जी कि असूली तौर पर इंडिया समेत तमाम क्वालिफाइंग टीमों को पाकिस्तान को ना सिर्फ होस्ट करना है, ना चाहते हुए भी अगर पाकिस्तान ना चाहे तब भी एक मेंबर के तौर पे, एक होस्ट के तौर पे, और सब टीमों को आना भी है क्योंकि ये आईसीसी के उसमें ज्यादती नहीं हो जाएगी अली पाकिस्तान के साथ कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका सबको होस्ट भी कर रहा है, पाकिस्तान में हालात भी ठीक हैं, ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड को कोई थ्रेट नहीं है बट इंडिया अपने आपको थ्रेट समझ ले, तो फाइब्रिड की बातें तो आ रही हैं पड़ोसी मुल्क से, बट ज्यादती नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये कोई कंडेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आ गया था मुश्किल हालात में, तो भारत को भी आना चाहिए। जहां मोहसिन नकवी और जय शाह, ये सुना जा रहा है कि 20 तारीख को वन ऑन वन भी वो मीटिंग करेंगे जहां चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टिसिपेशन की बात होगी, कि ये मामला ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सॉल्व होने जाएगा, ना ये बीसीसीआई से सॉल्व होने जाएगा, ना ये आईसीसी इसको सॉल्व कर सकता है। इस मामले को या इस ऊंट को एक करवट बिठाने के लिए दो ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एक है इंडियन गवर्नमेंट। ना पाकिस्तान के मीडिया के बोलने से कुछ होगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी, फिर भारत पाकिस्तान की टीम गई थी। क्या आपको लगता नहीं कि आगे भारत ने भी दो आईसीसी इवेंट होस्ट करने हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो अपनी टर्म कंडीशंस या कोई देखें, खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ अगर हालात ठीक ना होते तो और बात थी, लेकिन अब हालात बेहतर हैं, टीमें आ रही हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमारी अप्रोच करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हमने हाइब्रिड कार्ड लिया तो उसके बाद हमें ये नहीं कि हमें कोई इंडिया के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी करा नहीं सकते, लेकिन फिर हम दूसरी टीमों को भी राह दिखा रहे हैं। देखिए, इट इज नॉट द प्रॉब्लम कि हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए। इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नीड टू टॉक लॉजिक, और लॉजिक यहाँ ये है कि $3 billion जिस ब्रॉडकास्टर ने दिए हुए वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आया है और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, देखें दिस इज नॉट द रियलिटी होती है। देखें हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते। आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा इसका, कि बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर। यहां पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया को अपने घर में इन्वाइट करने का ख्वाहिशमंद है, तो ये पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डायलॉग को प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये इंडियन मीडिया ने गैर जरूरी तौर पर बादल बनाए हैं और ये बरसने वाले बादल नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी वाइब्स आ रही है, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। तो जय हिंद दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में अब तो बांग्लादेश की टीम ने भी कह दिया है कि हम भी नहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स ने भी मतलब कि पीछे से कह दिया है, पर्दे के पीछे से उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन मन ही मन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी बोल दिया है कि हम भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएंगे। अब सिर्फ इंग्लैंड बचा है और न्यूजीलैंड बचा है, दोनों टीम बची है, उसके अलावा सभी टीमों ने बता दिया है कि हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के। साउथ अफ्रीकन टीम ने भी ऑफिशियली तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली आईसीसी को बता दिया है कि हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आने वाले। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने भी बता दिया। बांग्लादेश जो मतलब कि यार मुझे सबसे बड़ा शॉक लगा तो बांग्लादेश का सुन के लगा, क्योंकि इनके जो पाकिस्तानी है वो तो इनको ब्रदर मानते हैं कि हमारे ब्रदरहुड है बांग्लादेश के साथ, हमारी मतलब कि एक ब्रदरशिप है, और वही बांग्लादेश ने आज इनको नीचा दिखा दिया। वही बांग्लादेश ने भी कह दिया कि हम भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आए, और यार इन्होंने जो खर्चा किया है पाकिस्तान ने पीसीबी ने स्टेडियमों को रेनोवेट करने के लिए, और ये बोल रहे हैं कि हमने अपने स्टेडियमों में मिलियंस ऑफ पैसे डॉलर्स लगाए रेनोवेट करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, और अब कोई भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, हमें तो कटोरा लेके बैठना पड़ेगा, कटोरे से भी हमारा पेट नहीं भरेगा, इस तरीके के ये लोग बयान दे रहे हैं। और साफ सी बात है यार, क्योंकि कल ही देखिए आप पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें पाकिस्तान के खुद के उनके 12 से 13 सिपाही मर गए, तो वहाँ पे ये क्रिकेट टीम यानी कि इतना बड़ा आईसीसी इवेंट जो कि पाकिस्तान में होने वाला है उसमें क्या गारंटी है कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, वहाँ पे जो दूसरे देशों से फैन आएंगे अपनी टीम को चीयर करने के लिए उनको क्या सेफ्टी मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आए दिन यहाँ पे इस तरीके के अटैक होते रहते हैं और इनके सोल्जर मरते या फिर इनकी आवाम मरती है। और एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट जो मैं देख रहा था वो खुद
अपने आप से वो बोल रहा था कि पाकिस्तान में खुद इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं, इतने बमबारियाँ होती है, वो हमने सहा है। तो मतलब कि आप लोग अपने खुद के मुल्क में आप सेफ नहीं हो तो आप दूसरी टीमों को बुलाकर कैसे वो दूसरी टीम में सेफ रह सकते, उसमें भी इंडिया तो खास करके, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक करवाए हैं। तो इंडिया की टीम ही पाकिस्तान में आएगी तो इंडिया की टीम, मेरे हिसाब से 100% इंडिया की टीम सेफ नहीं है पाकिस्तान में। जो लिखना है वो लिख लीजिए। और पहली बात तो है कि हम जाने वाले ही नहीं है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। इनको जो करना है वो कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बाकी भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेली है पाकिस्तान में नहीं जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो दुबई में ही होगी या तो श्रीलंका में होगी। और आईसीसी ने भी ऑफिशियली दुबई को होस्ट कर दिया है तो बस कोई टेंशन ही नहीं है, तो दुबई में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी। और सभी टीमों ने भी मना कर दिया है तो पाकिस्तान का सपना सपना ही रहेगा। तो बस दोस्तों मैं वीडियो कहीं पर करता हूँ ख़त्म। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।